प्रेम से बोलिए छठी माई की जय। जय सूर्य भगवान, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज सबसे कठिन व्रत छठ का दूसरा दिन है। आज खरना है, जिसे खीरनी भी कहते हैं। यह दिन तन मन को पवित्र करने वाला माना जाता है। अहो सौभाग्य उनका जो माताएं बहनें ये कठोर व्रत करती हैं, उनको हमारा प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ छठ व्रत के दूसरे दिन खरना में सुनी जाने वाली खरना व्रत की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से सुनिएगा। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम चटोरी था। वह इस कारण क्योंकि वह खाना बनाते बनाते जूठा कर दिया करती थी, थोड़ा सा उसमें से लेकर चख लिया करती थी। किसी भी खाद्य पदार्थ को देखकर उसे अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता। इस कारण उसका नाम सबने चटोरी रख दिया था। हालांकि वह कन्या अत्यंत ही रूपवती तथा कामकाजी थी। केवल एक अवगुण के कारण ही उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं होता। चटोरी के लिए बहुत से रिश्ते आते, लेकिन वह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाते थे। ब्राह्मण को अपनी इकलौती संतान चटोरी की विवाह की अत्यंत ही चिंता होने लगी। चटोरी की माँ ब्राह्मणी छठी मैया की परम भक्त थी। उन्हीं की कृपा से चटोरी का जन्म हुआ था। अब ब्राह्मणी ने छठी माता से मन ही मन मान मनौती किया। अब क्या था, छठी माता की कृपा से चटोरी के लिए एक रिश्ता आया। किंतु ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री चटोरी के चटोरेपन की बात कही, तब लड़के की माँ ने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। यह कहकर कि हमारे घर आए दिन पूजा पाठ अनुष्ठान होते रहते हैं, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर में जूठा काठा करते फिरे। किंतु लड़के ने अपनी माता को ये कहते हुए मना लिया कि माँ, लड़की बहुत ही सुंदर है, उसके जो बच्चे होंगे वो भी चांद का टुकड़ा होंगे। रही बात चटोरेपन की, तो अपनी बेटी समझकर सहन कर लेना। लड़के के निवेदन करने पर वह माँ मान गई और बड़े ही धूमधाम से चटोरी का विवाह नवरात्रि के शुभ दिन में संपन्न हो गया। अब जब छठ का महापर्व आया तो चटोरी बहू के सास को चिंता होने लगी कि कहीं चटोरी के चटोरेपन की वजह से छठी माता के व्रत में कोई परेशानी ना आ जाए। प्रिय भक्तों, जब छठ का व्रत आया, नहाए खाए तो किसी तरह पूरा हो गया। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, किंतु अब तो खरना के दिन खीर बनाने के साथ प्रसाद भी बनाना था और चटोरी को प्रसाद जूठा करने से भी रोकना था। इन सभी बातों को सोचते हुए सास ने एक उपाय निकाला। सास ने गेहूं को धोकर सुखाकर उसे चक्की में पीस लिया। अब जब चटोरी ने देखा कि इतना सुंदर आटा है, तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसकी लिट्टी लगाकर खा लूं। अब ना चाहते हुए भी उसको बहुत मन कर रहा था लिट्टी खाने का, लेकिन अब क्या करें, सास की वजह से वह लिट्टी बना भी नहीं सकती। चटोरी तो किसी तरह मौका देख रही थी कि कहाँ समय मिले और कहाँ वह लिट्टी बनाए। और उधर उस सास ने चटोरी से कहा, बहू तुम नदी से एक घड़ा पानी लेकर आओ, जो कि बहुत दूर है। जब तुम नदी से पानी लाओगी तभी प्रसाद बनेगा। अब यह सुनते ही चटोरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। वह चोरी से एक अंजुली आटा अपने आंचल में छुपा लेती है और घड़ा लेकर नदी की तरफ चली जाती है। अब इधर सास तो प्रसन्न हो रही थी, सोच रही थी कि चटोरी चली गई, अब बिना देखने के बिना जूठा काठा के वह सफाई से प्रसाद बना लेगी। चटोरी जब नदी पर पहुंचती है तो नदी के तट पर एक पत्थर था। उस पत्थर पर उसने उस आटा को रख कर उसे गूंथ लिया, लिट्टी का आकार दे दिया। अब उसे रही बारी पकाने की, तो इधर उधर उसने देखा, उसे कहीं भी कोई भी लकड़ी नहीं मिली। तब सामने उसने देखा तो एक चिता जल रही थी। अब चटोरी का मन बहुत ही चटपटा रहा था। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं,
जब लोग चिता जलाकर चले जाएंगे तो उसमें जो आग रहेगी उससे वह लिट्टी सेक लेगी। चटोरी ने न आग देखा न ताव, इंतजार करने लगी लोगों के जाने की। जब लोग चले गए तो चटोरी ने उस चिता के आग पर लिट्टी लगा लिया और उस लिट्टी को एक पत्ते में लपेटकर अपने आंचल में छुपा लिया। घड़े में पानी भरकर वह रास्ते में चली आ रही थी। आते आते अब चटोरी को भूख बहुत तेज लग गई थी। उसने सोचा कि बिना किसी चीज़ के वह लिट्टी कैसे खाएगी। अब रास्ते में एक सूर्य भगवान का मंदिर पड़ता है। मंदिर में देखती है तो ढेर सारे घी के दिए जल रहे होते हैं। चटोरी यह सोचती है कि यह घी तो फालतू में ही बर्बाद हो रहे हैं, क्यों ना मैं इस घी को अपने लिट्टी पर लगा कर खा लूँ, मेरा पेट भी भर जाएगा और स्वादिष्ट भी हो जाएगा। अब ऐसा सोचकर चटोरी ने जल्दी से सभी दियों में से घी निकाला और उस घी को लिट्टी पर लगाकर भर पेट खा लेती है। जब लिट्टी खा लेती है तब उसने अपने घड़े से पानी पिया और अपने घर की तरफ चली आती है। आते आते उसे शाम हो जाती है। सास बहुत ही खुश थी। उसने सोचा कि चलो आज का दिन पूरा हुआ। अब सास जल्दी से सारा सामान पूजा की सामग्री लेकर घाट पर चली जाती है। दूसरे दिन जब लोग सूर्य भगवान के मंदिर जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए तो उन्होंने देखा सूर्य भगवान का जीभ बाहर निकला हुआ था। सबको देखकर बहुत ही हैरानी होती है। लोग सोचते हैं कि यह कहीं अपशगुन तो नहीं। इसके लिए लोगों ने भगवान सूर्यदेव से बहुत ही प्रार्थना किया, हे भगवान आप अपना जीभ अंदर कर लीजिए, कहीं ये अनिष्ट का प्रतीक तो नहीं, हे भगवान हमसे क्या गलती हो गई। लेकिन सूर्य भगवान अपना जीभ अंदर करने को मानते ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान पंडित आकर थक गए, सूर्य भगवान माने ही नहीं। अब उस नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी कोई सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगा मैं उसे मन चाहा इनाम दूंगा। यह बात चटोरी भी सुन लेती है। चटोरी जल्दी से सूर्य भगवान के मंदिर में पहुंचती है और कहती है, महाराज मैं सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर सकती हूँ। चटोरी की बातें सुनकर सब लोग बहुत ही हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े विद्वान महापंडित आए, कोई कुछ नहीं कर पाया और यह चटोरी जो कि दिन भर चाटती खाती रहती है, दिन भर सभी चीज़ों को जूठा करती रहती है, भगवान का पूजा पाठ भी नहीं करती और ये सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चटोरी ने कहा, नहीं मैं कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए चटोरी मंदिर के अंदर जाती है, दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है और भगवान से बहुत ही प्रार्थना करती है, मान मनौती करती है, क्षमा याचना करती है। लेकिन सूर्य भगवान नहीं मानते, उनका जीभ अंदर नहीं जाता। अब तो चटोरी परेशान हो गई, उसे आया बहुत तेज गुस्सा। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बांधी और खींचते हुए भगवान सूर्य को कहा कि हे भगवान अगर आपने अपना जीभ अंदर नहीं किया तो मैं आपके जीभ पर एक मुक्का मारूंगी, आपका जीभ कटकर धरती पर गिर जाएगा, फिर तो राजा पूछेंगे तो मैं राजा से कह दूंगी कि मैंने जीभ को अंदर कर दिया, उस कटे हुए जीभ को कहीं बाहर फेंक दूंगी। भोली चटोरी के बातों को सुनकर सूर्य भगवान मुस्कुराए और छठी माता भी अपनी उस भोली कन्या को क्षमा कर देती हैं। अब क्या था, सूर्य भगवान डर के मारे अपनी जीभ को अंदर कर लेते हैं और जब राजा को पता चलता है कि चटोरी ने भगवान सूर्यदेव का जीभ अंदर कर दिया तो सभी लोग सूर्य भगवान की जय जय हो छठी मैया का नारा लगाने लगी। चटोरी ने राजा से कहा, राजा साहब आप कुछ भूल गए हैं, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल मैंने कहा था। तब चटोरी ने कहा, महाराज आप मुझे अपना आधा राजपाठ दे दीजिए और अपने जैसा एक महल बनवाकर मुझे दीजिए, जहाँ पर मैं और मेरी सासू माँ कुशल पूर्वक अच्छे से खुशी खुशी रह सके। अब राजा भी अपने वचन से फिर भी नहीं सकता था। राजा ने चटोरी को आधा राजपाठ दे दिया। अब चटोरी रानी बन चुकी थी।
और उसका पति और सास खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। प्रिय भक्तों, किसी को भूल कर भी छठ पूजा में जूठा काठा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज़ को अपवित्र करना चाहिए। इसका बड़ा ही भयानक परिणाम होता है। छठी मैया बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और जब प्रसन्न होती हैं तो अन्न धन का भंडार भर देती हैं, सौभाग्यवती बना देती हैं, पुत्रवती रखती हैं। पूरा घर सुख संपन्नता से भर जाता है, घर में खुशहाली होती है। तो इसीलिए आप इस महापर्व छठ पर कोई भी गलती भूलकर भी ना करें, छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो छठी मैया, ओम नमः शिवाय, जय सूर्य देवता। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ का महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जिस दौरान हमें बहुत से नियमों का पालन करना होता है। आज हम जानेंगे खरना विधि, छठ पूजा में खरना के दिन क्या करें क्या ना करें, और पीरियड में पूजा कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी गलती भूलकर भी ना करें। यदि घर में नए बच्चे ने जन्म लिया है तो छुटका में छठ पूजा कैसे करें, क्या सावधानी बरके, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले कि आप कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखें, 17 नवंबर को छठ पूजा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को भक्त दिन भर उपवास करते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना में खीर खाया जाता है, इसलिए इसे खीरनी भी कहा जाता है। गन्ने के रस से बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पीठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। खरना तिथि पर तन और मन के शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है। मन की शुद्धता के बाद खरना आरंभ होता है। खरना के दिन ही छठ पूजा का प्रसाद भी बनाया जाता है। यहाँ भी स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है। छठ का प्रसाद साफ स्थान पर मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर आम की लकड़ी की मदद से बनाया जाता है। प्रसाद में वैसे तो बहुत सी चीज़ें बनती हैं, लेकिन विशेष तौर पर ठेकुआ बनाया जाता है। हिंदू धर्म में छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। इस छठ महापर्व का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। छठ ही वो मौका होता है जब अपने गाँव घर से दूर शहर में रहने वाले लोग अपने घर आते हैं। छठ में पूरा परिवार एकजुट होकर इस पर्व को मनाता है। ऐसे में छठ पूजा को लेकर लोगों में अलग अलग ही भावनाएं होती हैं। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ, चौथे दिन उषा अर्घ देते हुए समापन होता है। आइए जान लेते हैं खरना तिथि व शुभ मुहूर्त। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा के दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद और पूजा का संकल्प लें। फिर इस दिन निर्जला व्रत रखें। दिन में छठ पूजा का प्रसाद बनाएं। रात के समय यानी कि संध्या के समय चावल और गुड़ से खीर बनाएं और पूरी बनाएं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती पूजा करें और वे सूर्य भगवान को रिसाव, पूरी और मिठाई का भोग चढ़ाएं। खरना पूजा में नियमों का खास ध्यान रखा जाता है। खरना के दिन बनाए जाने वाला खीर प्रसाद हमेशा नए चूल्हे पर बनता है। इस चूल्हे की एक खास बात यह होती है कि यह मिट्टी का ही होता है। प्रसाद बनाते समय चूल्हे में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी आम की होती है। खरना के मौके पर व्रती पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ भगवान भास्कर की आज शाम पूजा अर्चना करती हैं। भगवान भास्कर को गुड़ मिश्रित खीर और घी की रोटी का भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद भाई बंधु मित्र परिजनों में खरना का प्रसाद बांटा जाता है। खीर के अलावा खरना की पूजा में मूली तथा केला रखकर पूजा की जाती है। इसके अलावा प्रसाद में गुड़ की पूरियाँ तथा मिठाइयाँ रखकर भी भगवान को भोग लगाया जाता है। छठी मैया को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद को व्रत करने वाला व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। खरना के दिन क्या करें क्या ना करें,
बिना धुले हाथों से चुए गए प्रसाद का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। पूजा में बनने वाला प्रसाद पूजा से पहले किसी को न देना चाहिए। छठ पूजा के दौरान पूरे 4 दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। खरना वाले दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज़ को हाथ धोकर ही छुएं। व्रती महिलाओं को 4 दिन तक पलंग पर नहीं सोना चाहिए, उन्हें जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना चाहिए। खरना पूजा का प्रसाद हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ रोजमर्रा का खाना न बनता हो। व्रती को शांत जगह बैठकर खरना का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सूर्य को अर्घ दिए बिना कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। छठ पूजा के दौरान घर में झगड़ा न करें। खासतौर पर व्रती को किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। छठ पर्व के दौरान घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि का सेवन न करें। छठ पूजा में बांस के बने सूप या टोकरी का ही इस्तेमाल करें। इसमें भूलकर भी कांच या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान पुरानी बांस की टोकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में हर एक वस्तु नई होनी चाहिए। पूजा के लिए बनाए गए प्रसाद को भूलकर भी भोग लगाने से पहले नहीं खाना चाहिए। पूजा के किसी भी कार्य को बिना स्नान के नहीं करना चाहिए। छठ का प्रसाद बनाते समय साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। इस प्रसाद को केवल वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने ये व्रत रखा हो। प्रसाद में इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसे घर पर ही धोकर कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इस अनाज को कोई जूठा न करे या गंदे हाथों से न छुए, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठी मैया को चढ़ाई जाने वाली हर चीज अखंडित होनी चाहिए। ऐसे में पूजा में उस फल और फूल को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जिन्हें किसी पक्षी ने जूठा किया हो या किसी अन्य कारणवश वो थोड़े भी कट गए हों। पूजा के दौरान पहनने वाली साड़ी भी अखंडित होनी जरूरी है, यानी कि उस पर सुई वगैरह से फाल आदि न लगाई गई हो, कहीं से कटी फटी न हो। एकदम कोरी और नई साड़ी ही इस पूजा में पहनी जाती है। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नए सूप और थाल वगैरह इस्तेमाल में किए जाते हैं। प्रतिदिन रात्रि में व्रत कथा सुनना आवश्यक है। नारंगी सिंदूर लगाना महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान जो स्नान के बाद सीधे आता है वह है नारंगी सिंदूर लगाना। किसी भी छठ पूजा में अनुष्ठान में भाग लेने से पहले स्नान करना चाहिए। इन 4 दिनों में गंगा यमुना या किसी बहते हुए जल में व्रती को स्नान करना चाहिए। घर से बाहर खुले में स्नान करने का विधान बताया गया है। अब आइए जान लेते हैं हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि अति आवश्यक है। यदि किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, अभी तक छठी बरही नहीं बीता है, बच्चे को जन्मे 1.25 महीने नहीं हुआ है, तो आप छठ पूजा नहीं कर सकते। और हाँ, अब बात ये आती है कि छठ पूजा अगर कर रहे हैं तो छोड़ना भी नहीं है। तो इसके लिए अगर घर की बड़ी बुजुर्ग छठ पूजा करती हैं तो फिर वे रिश्तेदारी में जाकर या मायके जाकर छठ पूजा विधि विधान से कर सकती हैं, क्योंकि घर पर बिना शुद्धिकरण के छठ पूजा नहीं किया जा सकता। या अगर आप चाहें तो केवल व्रत रख सकती हैं। कोई आस पास पड़ोस में व्रत कर रही हैं तो उन्हें पूजा की सामग्री साड़ी खरीदने के लिए पैसे दे सकते हैं ताकि वो आपके नाम से चढ़ावा चढ़ा सके, पूजा कर सके। अब आइए जान लेते हैं कि पीरियड में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सी महिलाओं की यही चिंता रहती है। प्रिय भक्तों, मासिक धर्म में तो वैसे भी तन मन ठीक नहीं रहता और इस व्रत में तन तथा मन का शुद्ध और स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप पीरियड में हैं तो फिर आप केवल व्रत रखिए, बाकी की तैयारी किसी आने से करवा लीजिए, जैसे प्रसाद बनाना, साफ सफाई इत्यादि, और अर्घ आप अपने पति से दिलवा सकती हैं। वैसे भी छठ पूजा इतना बड़ा महापर्व होता है कि अकेले किसी के बस की बात नहीं होती। इसमें सभी के सहयोग की जरूरत होती है। और हाँ, जो लोग सहयोग करते हैं उन्हें भी छठ पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी महिला व्रती हैं उनका अधिक से अधिक सहयोग करें। इन सब बातों का भी आप ध्यान रखें। आप प्रसाद इत्यादि को ना छुएं तो उचित होगा।
यदि आपके सहयोग में कोई नहीं है, आपके घर परिवार में उतने सदस्य नहीं हैं, तो छठी मैया का नाम लेकर क्षमा याचना करके पूजा करें, क्योंकि छठ पूजा छोड़ा भी तो नहीं जाता। आपके यहाँ पीरियड में महिलाएं छठ व्रत करती हैं तो करें, लेकिन एक बार किसी बड़े बुजुर्ग अम्मा दादी या सास से सलाह मशवरा अवश्य करें, क्योंकि छठ पूजा में जरा सी भी भूल आपके लिए कष्टकारी बन सकती है। और पीरियड में घाट पर जाएं तो थोड़ा दूरी बनाकर एक जगह बैठें, लोगों को स्पर्श ना करें, क्योंकि अन्य लोग भी यह व्रत श्रद्धा निष्ठा पवित्रता से कर रहे होते हैं, तो उन्हें स्पर्श करने से उनका व्रत भंग हो जाएगा, तो इसका दोष आपको ही लग सकता है। यदि आपको पीरियड हुए 5 दिन हो गए हैं तो आप छठ पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई